पूज गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से डॉक्टर विनय जैन कह रहे हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर में भगवान की मूर्ति से जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वह कहाँ से आती है? क्या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय मंत्रोच्चारण से जो एनर्जी समाहित की जाती है वही निरंतर निकलती रहती है? क्या वह कभी क्षीण नहीं होती है? क्या अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से भी स्मृति में एनर्जी का प्रवाह बना रहता है? मंदिर का शिखर हमेशा कॉनिकल होता है और वह मेटल का बना होता है, जिससे वह आसपास की पॉजिटिव एनर्जी को अपने में समाहित करके मंदिर के वातावरण में प्रवेश करा पाता है। मेरी धारणा कहाँ तक सही? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और काफ़ी हद तक आप सही है। बात ऐसी है कि जब हम प्रतिमा की प्रतिष्ठा करते हैं उससे पूर्व वो मूर्ति होती है, लेकिन जब हम पूरी की पूरी विधि विधान के साथ अनुष्ठान पूर्वक उसमें गुणों का आरोपण करते हैं, मंत्र संस्कार करते हैं, तो प्रतिमा भगवान बन जाती है और उससे ऊर्जा का प्रस्फोट होता है। तो एक ऊर्जा तो प्रतिष्ठा के माध्यम से वहाँ होती ही है, दूसरी ऊर्जा वहाँ जाकर के लोगों के द्वारा जो जप तप ध्यान पाठ पूजा की जाती है उससे भी वे वहाँ सकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं, उससे भी वहाँ ऊर्जा बढ़ती है। तीसरी बात, जो मंदिर की संरचना है शिखर के आकार का और उसके ऊपर जो गुम्मट लगा है वह भी कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करता है और उससे मंदिर का वातावरण ऊर्जामय बनता है। जहाँ तक सवाल है कि प्रतिमा की एनर्जी का लेवल क्या कभी घटता नहीं? घट सकता है। यदि वहाँ अशुद्धि और अपवित्रता का संचार हो जाए तो वह ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा चैतन्य नहीं पौद्गलिक है। ऊर्जा को कभी चैतन्य मत मानना, ये सब पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है, ये पुद्गल के गुण हैं, भौतिक है, आत्मिक नहीं। आत्मिक ऊर्जा कभी विनष्ट नहीं होती और पौद्गलिक ऊर्जा देश काल से प्रभावित होते रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये ऊर्जा प्रभावित होती है और हम उसे फिर से आरोपित कर सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में विधान बताया है कि अगर कोई प्रतिमा को के साथ कोई अशुद्धि हो जाए, अवांछित व्यक्ति का स्पर्श हो जाए, तो विधि विधान करके बृहत जाप और शांति के कर्म का अनुष्ठान करने के लिए बताया, ताकि उसमें खोई हुई शक्तियाँ फिर से प्रकट हों। इसलिए इसे बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है और व्यापकता से जानने की जरूरत है।